राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बागेश्वर में चल रहे एनएसएस शिविर के दौरान शिविरार्थियों को कई जानकारियां दी गईं। शिविर में हिस्सा ले रहे शिविरार्थियों ने जागरूकता अभियान भी संचालित किया। कार्यक्रम अधिकारी मंजू होलरिया ने बताया कि शिविरार्थियों ने निकटवर्ती गांव में जाकर सफाई की तथा लोगों को सफाई के महत्व के बारे में बताया। शिविर में विषय विशेषज्ञों द्वारा शिविरार्थियों को कई जानकारियां दी गईं। डाइट के प्रवक्ता डॉक्टर के एस रावत ने संसद में पारित हो रहे नए कानूनों की जानकारी से शिविरार्थियों को अवगत कराया। मैं चल रहा है 7 दिवसीय कैंप है, तो आज इस शिविर की प्रभारी है मैडम मंजू होलेरिया मैडम। इनका सुबह फोन आया था कि आप बौद्धिक सत्र में थोड़ा समय दीजिएगा, तो इसी सिलसिले में मैं यहाँ पे आया था। और ये बहुत बेहतरीन अनुशासनपूर्ण और नियमानुसार कैंप यहाँ पर आवासीय कैंप है, संचालित किया जा रहा है। और इसमें बच्चों के द्वारा विभिन्न प्रकार के शारीरिक श्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, बौद्धिक सत्रों का आयोजन किया जा रहा है और अपने ज्ञान विज्ञान को बढ़ाया जा रहा है। और साथ ही साथ शिविर में अलग अलग सत्रों में, बौद्धिक सत्रों में विभिन्न क्षेत्र के लोगों को बुलाया जा रहा है, विशेषज्ञों को बुलाया जा रहा है। आज ही अभी बाल विकास विभाग से रेणु मैडम यहाँ पर आए थे, तो उनके द्वारा विभाग द्वारा संचालित विशेषकर महिलाओं, लड़कियों, बालिकाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। और बालिकाओं ने भी कई जिज्ञासाएं उन्होंने पूछी कि वो भविष्य की उनकी क्या योजनाएं हैं, सरकार कौन कौन की सुविधाएं बालिकाओं को दे रहे हैं और किस प्रकार से हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, ये जानकारियाँ हुई। और मेरे द्वारा भी शिक्षा विभाग की तमाम जानकारियाँ दी गई और बच्चों को भी बताया गया कि इस बीच जो देश के राजनीतिक, आर्थिक तरीके से नए नए नियम कानून आदि बनाए जाते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई। और साथ ही साथ बच्चों के भविष्य को किस प्रकार हम संवारें, किस प्रकार बच्चे अपने भविष्य को आगे बढ़ाएं और पढ़ाई के साथ साथ क्या जरूरी है, कैसे हम स्वावलंबित बने, कैसे अनुशासित बने और इस एनएसएस शिविर का क्या उद्देश्य है, इस पर प्रकाश डाला गया। तो बच्चों ने काफ़ी जिज्ञासाएं पूछी और बहुत जागरूकता के साथ और अनुशासन के साथ यहाँ पर शिविर आयोजित हो रहा है और मैं इसकी सफलता की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इससे बच्चे के बहुआयामी विकास में बच्चे का बहुत मदद मिलेगी। इसमें बाल विकास, महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की ओर से मेरे द्वारा प्रतिभाग किया गया। बच्चों को जो भी हमारे विभाग में योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना है, नंदा गौरा योजनाएं है, निर्भया प्रकोष्ठ है, हमारा वन स्टॉप सेंटर है, आंगनबाड़ी सेंटर्स हमारे चल रहे हैं, घरेलू हिंसा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विशेष रूप से जो चल रहा है, उन सबके बारे में बच्चों को जानकारी दी गई और बच्चों द्वारा विशेष रुचि भी उसमें दिखाई गई, उनके द्वारा बहुत सारे सवाल पूछे गए और बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को बालिका बाल विवाह है, कन्या भ्रूण हत्या है, इस बारे में विशेष रुचि बच्चों द्वारा दिखाई गई और बालिकाओं द्वारा ये भी प्रतिबद्धता दिखाई गई कि वो इस चीज़ को रोकेंगे, आगे नहीं होने देंगे, तो वो बहुत अच्छा था। बाकी विभागीय जो भी जानकारियाँ थी वो मेरे द्वारा इनको दी गई। दिनांक 9/12/2019 से हमारे राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बागेश्वर में एनएसएस का 7 दिवसीय विशेष शिविर संचालित हो रहा है और हर दिन शिविर में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक श्रमिक सत्र होता है और फिर उसके तत्पश्चात लंच के बाद 1:30 बजे से 4 बजे तक बौद्धिक सत्र होता है, जिसमें स्वयंसेवियों को अनेक प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं। उसके लिए हर दिन अलग अलग विभाग से अलग अलग विशेषज्ञों को बुलाया जाता है। पहले दिन भुवन चौबे आपदा प्रबंधन की जानकारी दी भुवन चौबे जी ने, दूसरे दिन सुनीता जोशी डॉक्टर सुनीता जोशी ने स्वयंसेवियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी दी, तीसरे दिन बौद्धिक सत्र में हमारी प्रधानाचार्य श्रीमती शोभा मैडम द्वारा छात्रों स्वयंसेवियों को उनके अनेक प्रकार की जानकारियां, अनुशासन, स्वच्छता, अनेक प्रकार की जानकारियां दी गई। उस तत्पश्चात आज शिविर का 6ठा दिन है, कल को समापन हो जाएगा। आज 6ठे दिन में डाइट के श्री डॉक्टर के एस रावत जी ने स्वयंसेवियों को अनेक प्रकार की जानकारी दी, कविता लेखन और कहानी लेखन तथा आजकल जो संसद में 2 नए कानून पास हो रहे हैं उनके बारे में स्वयंसेवियों को बताया और अनेक प्रकार की नई स्वयं लड़कियों की नई योजनाएं जो चल रही हैं उनके बारे में बताया। उसके पश्चात बाल विकास से रेणु नगरकोटी मैडम ने भी स्वयंसेवियों को अनेक प्रकार की जानकारियां दी। सीसीएन न्यूज के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।